एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने ये क्लचेस की कलेक्शन और इससे आपको भी बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिल सकते हैं ये रिसेंटली मैंने वन ईयर पहले ही बाय किए हैं फ्रॉम चाइना ये सारे क्लचेस के जितने भी आप डिज़ाइन देख रहे हैं सब आजकल न्यू ट्रेंड डिजाइन हैं बहुत ज़्यादा फैशन में इन हैं और आप देख सकते हैं जितने भी इस क्लच पे डायमंड टीज लगे हुए हैं ये सब स्टिच हुए हुए हैं और ये जो इसका ओपनिंग बटन है ये मेटल का बना हुआ है रोज बना हुआ है उसके ऊपर और उस पर भी डायमन टीज लगे हुए हैं बहुत बारीक बारीक से और सिल्क फैब्रिक है इस क्लच का ऊपर से बहुत सॉफ्ट है सिल्क और बहुत खूबसूरत मल्टी कलर डायमेंडीज लगे हुए हैं लाइट टोन के अंदर जो आप किसी भी ड्रेस के साथ इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं किसी भी इवनिंग पार्टी में इवनिंग फंक्शंस में और बहुत खूबसूरत लगते हैं ये वेडिंग फंक्शंस के अंदर भी किसी भी ड्रेस के साथ इसमें बहुत लाइट पिंक लाइट फ्रोजी सा वाइट कलर सिल्वर कलर के बहुत खूबसूरत से डायमंडीज स्ट्रेच हुए हुए हैं इसके ऊपर डिफरेंट शेप्स के अंदर जिसकी वजह से ये बहुत खूबसूरत लगता है क्लच बहुत ज़्यादा खूबसूरत है सामने देखने में इसमें डिटेलिंग हुई हुई है गोल्ड की और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत शाइनी सा फैब्रिक है इसका और कुशनिंग हुई हुई है इसके अंदर बायदा सॉफ्ट मटेरियल है पकड़ने में ये बहुत और अंदर से देखें कितना खूबसूरत सिल्क इसके अंदर लगा हुआ है सेम वही डस्टी पिंक कलर का बहुत लाइट डस्टी पिंक कलर है ये जिसकी वजह से ये क्लच बहुत ही एलिगेंट लग रहा है ये एक कलर आपके पास जरूर होना चाहिए तो ये अगर आप अपनी वेडिंग के लिए शॉपिंग कर रहे हैं या किसी इवनिंग फंक्शंस के लिए आप क्लचेस बाय करने का सोच रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा न्यूट्रल ऑप्शन रहेगा ये कलर एक न्यूट्रल कलर है जो हर ड्रेस के साथ आपका चल जाता है ये वाकई मेरा क्लच ऐसा है जो मैं पिछले एक साल से जब से मैंने इसको बाय किया है चाइना से तब से मैं इसको ऑलमोस्ट काफी फंक्शन में यूज कर चुकी हूं विद डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स ड्रेसेस लाइक पिंक बेज कलर ऑफ ड्रेस वाइट कलर इवन मैंने इसको एक दिन ब्लैक कलर के साथ भी पहना था जो बहुत खूबसूरत लग रहा था ये ये क्लच आपको इजीली जो है अमेजोन से भी मिल जाएंगे अगर आप सर्च करें इसको और इस तरह की वेबसाइट्स पे जहाँ पे चाइना की ब्रांड की थिंग्स मिलती हैं वहाँ से आपको ये ईजिली बाय कर सकते हैं और इनकी क्वालिटी एक्स्ट्रा अच्छी है आई मस्ट से और मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी इस तरह की और चीज़ें अभी तो मैं आपको ये सारी अपनी क्लचेस की न्यू कलेक्शन जो भी रिसेंटली मैंने बाय किए मैंने लास्ट टेन इयर्स पहले भी क्लचेस की इसी तरह कुछ टेन टू ट्वेल्व क्लचेस चाइना से बाय किए थे जब मेरा जाना हुआ था वहाँ तो तब के क्लचस मेरे अब तक ठीक रहे थे दस साल तक मेरे क्लचेस बिल्कुल ठीक रहे थे और अब मैंने ये न्यू बाय किए हैं कि ट्रेंड चेंज होते रहते हैं डिजाइनिंग चेंज होती रहती है तो मैंने ये न्यू बाय कर लिए थे अब आप ये देख सकते हैं ये वेलवेट का क्लच है ये जो दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं ये है मरून कलर का क्लच दिस इज अ वेलवेट क्लच इस पर भी पैडिंग हुई हुई है उसके ऊपर फैब्रिक लगा हुआ है वेलवेट का और ये भी मेटालिक मे, मेटल का बना हुआ क्लच है अंदर से ऊपर इसकी पैडिंग हुई हुई है ये वेलवेट की बहुत खूबसूरत और इस पर जो डायमंड टीज लगे हुए हैं ना और इसका ये जो ओपनिंग बटन आप देख रहे हैं इस पर भी बहुत खूबसूरत सा क्रीम कलर का कुछ पर्ल टाइप जो बहुत एलिगेंट लग रहा है और आप ये देखें कितना ज़बरदस्त डायमेंटीज लग रहा है उसके बाद ये पर्ल की चेन जिसकी वजह से ये इतना खूबसूरत लगता है और अंदर देखें सिल्क का फैब्रिक लगा के दिया हुआ है इन्होंने एक और चेन भी साथ दी है कि आप समाइम जो है इसको क्रॉस बॉडी पहनना चाहें तो एक लॉन्ग चेन गोल्डन कलर की मेटल की वो भी आप इसके साथ अटैच करके वो भी पहन सकते हैं और ये क्लच मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है बिल्कुल नहीं हुआ है आप देख सकते हैं इस पर ये टैग लगा हुआ है वो भी मैंने अभी तक कट नहीं किया है प्लास्टिक का जो टैग नज़र आ रहा है आपको वाइट और बहुत खूबसूरत लगता है ये जब मैं इन विंटर में ड्रेसेस पहनूंगी पार्टीज में मेरे पास एक मरून कलर की मैक्सी है तो मैं उसके साथ इसको कैरी करूंगी और इस पर गोल्डन ये डायमंड टीज जो लगे हुए इतने ब्लिंक ब्लिंक से हैं इतने शाइनी से लग रहे थे बहुत खूबसूरत लगते हैं ये इसका मटेरियल बहुत अच्छा है और ये सामने देखने में बहुत खूबसूरत है ये देखिएगा कितनी प्यारी इसके साथ ये पर्ल की चेन दी हुई इन्होंने ये क्लच आप ब्लैक कलर के किसी भी ड्रेस के साथ भी कैरी कर सकते हैं बिकॉज़ मरून कलर भी मैनी कलर्स के साथ चला जाता है लाइक like ब्लैक और डार्क मरून एंड दिस काइंड ऑफ कलर ऑफ ड्रेसेस लाइट लाइट कलर्स के साथ भी मरून बहुत अच्छा लगता है लाइट बेज कलर्स गोल्ड कलर्स उनके साथ भी आप मरून कलर समटाइम कैरी कर लेते हैं जो बहुत एलिगेंट लगता है क्रीम कलर ड्रेसेस तो आप ये एक ज़रूर कलर रखिएगा अपने पास क्लचेस के अंदर क्लचेस की कलेक्शन में मरून कलर मस्ट हैव होना चाहिए आई फील लाइक दैट तो इससे आपको देख एक आइडिया मिल जाएगा तो आप ये देख सकते हैं फाइनल लुक इसकी बहुत प्यारी बहुत प्यारा फैब्रिक है वेलवेट भी इन्होंने अच्छी वाली यूज़ की हुई थी इस क्लच के ऊपर चलिए अब हम दूसरे थर्ड नंबर का क्लच देखते हैं कि बहुत सिंपल क्लच है किसी भी इवनिंग फंक्शंस में आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं इवन आप किसी के घर भी जा रहे हैं अगर सम टाइम किसी फंक्शंस में नहीं भी जा रहे तब भी आप इसे कैरी कर सकते हैं ये क्रीम कलर का है क्रीम गोल्ड कलर है ये इस इसपे प्योनी फ्लावर बना हुआ है जो चाइना का फेमस फ्लावर है और आप ये देख सकते हैं ये पूरा एम्ब्रॉयडेड वर्क है इसके ऊपर दिस इस इज एम्ब्रॉयडेड वर्क ऑन द सिल्क फैब्रिक ये भी पैडिंग क्लच है इस इसपे भी पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और मेटल का है इन और ऊपर से आप देख सकते हैं इसका जो ओपनिंग बटन है बड़ा खूबसूरत से डिजाइनिंग मैम मेटल का बना हुआ है वो उस उसपे भी छोटे छोटे से डायमंड टीज लगे हुए हैं और बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है बहुत लाइट येलो येलो कलर के शेड्स आ रहे हैं उसके फ्लावर के अंदर अंदर भी सिल्क का फैब्रिक लगा हुआ है लाइट गोल्ड क्रीम कलर में और ये पर्ल की चेन दी हुई है जिसकी वजह से ये बहुत एलिगेंट लगता है ये क्लच भी मैं मैनी ड्रेसेस के साथ यूज़ कर चुकी हूँ अब तक और ये बिल्कुल ऐसे कैसे ही इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये भी आप डिफरेंट कलर ऑफ ड्रेसेस के साथ डार्क लाइट के साथ आपका ये यूज़ हो जाता है और हर कलर के साथ ये बहुत प्यारा लगता है इवन हम समर्स में लॉन् के ड्रेसेस पहनते हैं तो उनके साथ भी इतना अच्छा लगता है ये बहुत प्यारा लगता है क्योंकि ये एम्ब्रॉयड है तो ये बहुत प्यारा सा लगता है हर कलर के साथ चल जाता है ये बहुत एक कॉमन सा कलर है क्रीम कलर है ये बेज कलर क्रीम गोल्ड कलर समझ लें आप वैसा है बहुत लाइट गोल्ड तो आपके पास भी ये कलर ज़रूर आई थिंक एक होना चाहिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बाइंग न्यू क्लचेस तो ये एक डिज़ाइन बिल्कुल अभी न्यू रीसेंट डिज़ाइन है अगर आप सर्च भी करेंगे ना न्यू डिज़ाइन ऑफ क्लचेस में तो ये आपको मिलेगा तो बहुत ज़बरदस्त ये क्लचेस हैं और अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर पे ब्लैक कलर कई क्लच जो मेरा मोस्ट फेवरेट है इससे पहले मैंने एक प्लेन सा ब्लैक कलर का क्लच रखा हुआ था लेकिन इस बार मैंने इवनिंग फंक्शंस पार्टी वेयरिंग वेडिंग फंक्शंस के लिए ये ख़रीदा है इस इसपे ब्लिंक ब्लिंक मल्टी शेड जो दे रहे हैं ना ये डायमंड टीज लगे हुए हैं और बीच में पर्ल टाइप का एक ये जो इन्होंने मोती सा लगाया हुआ है सब हैंड वर्क है और एक एक चीज़ स्ट्रेच हुई हुई है कुछ भी इसमें स्टिक नहीं हुआ हुआ ग्लू से जो बाद में निकल सके नहीं इस पर सब कुछ स्ट्रेच हुआ और बहुत छोटे छोटे से डायमंड टीज इसके आप देख सकते हैं ओपनिंग बटन पे भी लगे हुए हैं जो गोल सा बना हुआ है मेटल का और कितना प्यारा सा सिल्क फैब्रिक है दिस इज़ जेड ब्लैक कलर क्लच और ये जेड ब्लैक कलर है ये बी मस्ट हैव कलर है जो आपके पास होना चाहिए एंड आई फील प्लेन ब्लैक कलर के जो प्लेन मतलब प्लेन क्लचेज़ होते हैं जिन पर ये डायमेंडीज नहीं लगे हुए होते वो भी अच्छे लगते हैं बट इफ़ यू वॉन्ट टू बाय फॉर द वेडिंग फंक्शनस एंड अगर आप वेडिंग फंक्शन में कैरी करना चाहते हैं और ये एक ऐसा कलर है ये हर ड्रेस पर चला जाता है क्योंकि आप ये जो इस पर डायमेंडीज देख रहे हैं ना जो पर्ल के अराउंड लगे हुए हैं जो फ्लावर की पत्तियाँ बनी हुई हैं डायमंडीज़ इतने खूबसूरत लगे हुए हैं ये आप यकीन करें इसमें से डिफरेंट शेड्स के कलर्स देता है ये अगर आप इसको करीब से देखेंगे तो ये डिफरेंट शेडिंग दे रहा है इसकी डायमंडीज डिफरेंट शेड्स देते हैं जिसकी वजह से ये डिफरेंट कलर ऑफ ड्रेसेस के साथ भी आप इसको कैरी कर सकते हैं और इसके अंदर एक और अच्छी बात है कि ये जो है बहुत इजी है हैंडलिंग के लिए इसमें जितने भी आपको क्लचेस दिखा रही हूँ ना इसमें इजीली आपके मोबाइल फोन्स आ जाते हैं और आप थोड़ा बहुत इसमें अपना मेकअप कॉस्मेटिक का सामान भी रख सकते हैं कैरी करके ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं कहीं पर भी अब तो हम देख रहे हैं एक ऐसा न्यूट्रल कलर का क्लच जो हमारे आई थिंक हर ड्रेस के साथ जाएगा बहुत ब्लिंक ब्लिंक है ये सामने देखने में बहुत शाइनी इसका फैब्रिक भी जो लगा हुआ है मून लाइट टाइप का है सिल्वर कलर में और बहुत अच्छा क्लच है ये मेटेलिक वर्क हुआ हुआ है इसके ऊपर ये पूरा मेटेलिक वर्क है उसके ऊपर सिल्वर डायमंडीज लगे हुए हैं गोल्डन मेटेलिक वर्क है और ये देखें सिल्वर कलर का पूरा फैब्रिक है इसका जो बेस कलर है वो सिल्वर है फुल शाइनी फैब्रिक है बहुत ब्लिंक ब्लिंक क्लच है ये और ये देखिएगा इसका ओपनिंग बटन इस इसपे भी बहुत खूबसूरत डायमंडीज बारीक बारीक से लगे हुए हैं और ये जो इस पर मेटालिक वर्क हुआ हुआ है ना दिस रियली लुक्स नाइस जिसकी वजह से ये बहुत खूबसूरत लगता है और आप ये किसी भी कलर के ड्रेस के साथ इसको कैरी कर सकते हैं समटाइम हम ऐसे ड्रेसेस पहन लेते हैं जिसमें गोल्डन सिल्वर दोनों वर्क होते हैं तो उनके साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं अब आप ये देखें इसके साथ ये हैंडल दिया हुआ है और चेन भी दी हुई है एक लॉन्ग चेन भी दी हुई है हर क्लच के साथ ताकि आप उसे क्रॉस बॉडी स्टाइल में भी पहन सकें अगर चाहें तो और ये स्मॉल चेन्स स्टाइलिंग में भी दी हुई है सम कुछ में पर्ल्स दिए हुए पर्ल्स की चेन दी हुई है कुछ में मेटालिक चेन्स दी हुई है हैं सिर्फ और कुछ में ये वाले टाइप की मेटालिक चेन्स दी हुई है, हैं जो थोड़ी सी जो है फिक्स हो के मतलब एक हैंडल सी बन जाती हैं तो ये बड़ी खूबसूरत लग रही है इसके साथ ये जो हैंडल टाइप की इसके साथ ये चेन दी हुई देखे एक और बड़ी चेन भी दी हुई अंदर और अंदर ब्लैक सिल्क का फैब्रिक लगा हुआ है इस क्लच में और ये कलर भी मैं समझती हूं आपके पास जरूर होना चाहिए जिसमें गोल्डन सिल्वर दोनों आ रहा हो एक ऐसा क्लच जरूर लें जिसमें गोल्डन सिल्वर कलर दोनों ही आ रहे हैं और समटाइम हमें समझ भी नहीं आता है ड्रेस पे वाइट एंड गोल्ड बहुत टाइप ऑफ काम हुआ हुआ होता है समटाइम वाइट एंड गोल्ड होता है समटाइम सिल्वर एंड गोल्ड मिक्स एंड मैच वर्क हुआ हुआ होता है तो आप उन ड्रेसेस के साथ ये बहुत ईजीली चला जाएगा और समटाइम आप गोल्डन ड्रेसेस पहन रहे हैं और आपको समझ भी नहीं आ रहा तो आपको ये बहुत ब्लिक सा कोई बहुत हैवी वर्क वाला क्लच चाहिए तो आप ये उसके साथ यूज़ कर सकते हैं समटाइम आपके ड्रेसेस पे बहुत हैवी वर्क हुआ हुआ होता है तो उनके साथ भी ये ड्रेस के साथ बहुत प्यारे लगते हैं क्लचेस अब हम एक और क्लच देखते हैं जो बहुत यूनिक से कलर में है और बहुत यूनिक से पैटर्न में बना हुआ है ये आप ये देखिएगा ये जो है पीकॉक कलर है दिस इज पीकॉक कलर एंड पीकॉक डिजाइन एज वेल और आप ये देख सकते हैं ये ब्लू ग्रीन शेडेड क्लच है जो आई थिंक हर ब्लू और ग्रीन कलर के ड्रेसेस के साथ ईजीली चला जाता है और ग्रीन कलर के ड्रेस के साथ मैं इसको एक बार कैरी कर चुकी हूँ और ये देखें ये सब जो वर्क इसके ऊपर हुआ हुआ है ये सब स्टिच हुआ हुआ है बिल्कुल भी कोई चीज़ चिपकी हुई नहीं है कोई भी चीज़ ग्लू से नहीं लगी हुई है और ये देखें बहुत शाइनी मटेरियल है इसका बहुत सिल्क का फैब्रिक बहुत शाइनी है इसका और नेवी ब्लू कलर का सिल्क है इसके ऊपर बैक इसकी नेवी बुल्क ब्लू कलर में प्लेन सिल्क फैब्रिक लगा हुआ है और साइड जिसकी देख रहे हैं आप ये गोल्डन डिटेलिंग में दी हुई है साइज़ भी इसका बहुत अच्छा है कैरी करने के हिसाब से आप इसको साइड चेन जो इसके साथ दी हुई है एक गोल्डन मेटालिक उसके साथ भी आप जो है ना क्रॉस बॉडी के तौर पे इसको पहन सकते हैं और इसका साइज अच्छा है बाकी क्लच के मुकाबले में थोड़ा बड़ा भी है ये और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होल्ड कर लेता है ये मैं काफी इवनिंग फंक्शन में अब तक कैरी कर चुकी हूं ये देखिए इसके साथ भी पर्ल की ये चेन दी हुई है जो बहुत ही एलिगेंट लगती है क्योंकि इसका ओपनिंग बटन भी है जो क्लच का वो भी पर्ल का ही जैसा बना हुआ है जिसकी वजह से ये बहुत सूट करती है इसके साथ ये चेन ये देखिएगा कितना ब्लिंग ब्लिंग कितना प्यारा सितारे का मोतियों का इसके ऊपर जो काम हुआ हुआ है ना दैट लुक्स रियली नाइस और बहुत एक यूनिक डिजाइन है ये पर्ल शेप में बना हुआ है ये क्लच भी अब मैं आपको एक और क्लच दिखाती हूँ वो भी बहुत ज़बरदस्त है ये भी हर हर ड्रेस के साथ चला जाता है जिस पे कोई गोल्डन वर्क हुआ हुआ हो समाइम कोई या फिर गोल्डन वर्क नहीं भी हुआ हुआ हो समहाव हम किसी भी ड्रेस के साथ कोई क्लच लेने का सोच रहे होते हैं तो गोल्डन कलर का क्लच आई थिंक ऐसा क्लच होता है जो हम हर ड्रेस के साथ कैरी कर लेते हैं इस इस क्लच पे भी कुछ भी ग्लू से नहीं लगा हुआ है ये एक पूरा एक नेट टाइप का ये पूरा इसके ऊपर एक जाल सा बना हुआ था जिसके ऊपर ही डायमंड टीज लगे हुए ये ओपनिंग बटन पे भी बड़े खूबसूरत से डायमंड टीज लगे हुए मेटल का ओपनिंग बटन है और ये देखें कितना खूबसूरत इसका हैंडल दिया हुआ है अंदर से भी सिल्क फैब्रिक लगाया हुआ है लाइट गोल्ड में और ये जो सिलिका जेल के जो बैग्स हमारे छोटे छोटे से बैग्स बनाकर इन्होंने क्लचस के अंदर या सम टाइम शूज के अंदर भी इन्होंने रखे हुए होते हैं तो आप फेंका मत करें उनको आई थिंक आप क्लच के अंदर यूज करने के बाद वापस डाल दिया करें क्लचेज़ को तो वो मॉइस्चर से आपके क्लच को बचाएगा आपके शूज़ को भी मॉइस्चर आने से अंदर बचाएगा जल्दी ख़राब होने से बचाएगा और ये देखें कितना खूबसूरत सा इसका हैंडल है क्योंकि सम टाइम हम विंटर सीजन के अंदर आप देखें तो मॉइस्चर आ जाता है क्लचेस के अंदर या सामान में हमारे कबर्ड में जो रखा हुआ होता है कुछ कपड़े वगैरह उनमें भी तो उनको प्रिवेंट करता है ये उस मॉइस्चर से हमें प्रिवेंट करता है जैसे चाइना में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं तो मैं ये इसलिए फेंकती नहीं हूँ बिल्कुल भी ताकि बिल्कुल भी ये चीज़ ख़राब ना हो अब आप ये देखें पर्पल कलर का क्लच ये ये पर्पल कलर कह लें आप या, या एक्चुअल में जो इस कलर का नाम है ये प्लम कलर है दिस इज कॉल्ड प्लम्प कलर पर्पलिश प्लम्प कलर ये भी बहुत ब्लिंक ब्लिंक सा है क्लच और इसके ऊपर भी सिल्क फेब्रिक लगा हुआ है प्लम्प कलर का और उसपे डायमंडीज स्टिक हुए हुए हैं जो बहुत ब्लिक ब्लिंक लग रहे हैं मल्टी शेड दे रहे हैं ऑल दो इसके ऊपर प्लम कलर के ही डायमेंडीज लगे हुए हैं किसी और कलर के नहीं लगे हुए हैं लेकिन फिर भी ये हल्का सा भी मूवमेंट होने पे ना बहुत डिफरेंट शेड्स दे रहे हैं आप देख सकते हैं तो ये एक क्लच है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है पिंक कलर ड्रेसेस के ऊपर भी सफ समाइम हम सॉफ्ट पिंक कलर के ड्रेसेस वेयर कर लेते हैं लाइट बेबी पिंक कलर तो उनके साथ हमें समझ भी नहीं आता किस कलर का क्लच लें तो आप एक मर्तबा ये प्लम कलर का क्लच जरूर उसके साथ कैरी करके देखिएगा दिस इज कॉल्ड प्लम कलर पर्पल कलर जो बहुत खूबसूरत प्लम कलर है पर्पल टोन में है ये और इसके साथ ये जो हैंडल दिया हुआ है प्लेन गोल्डन कलर में डिटेलिंग अंदर गोल्डन चेन है तो ये देखिए टैग तक इसका मैंने नहीं निकाला था क्योंकि मैं एक बार दफा ये कहीं पहन के तो गई थी मगर मुझे टाइम नहीं मिला था उस वक्त निकालने का तो मैंने कट नहीं किया था बट ये बहुत खूबसूरत लगता है एक बार तो मैंने इसको लाइट पिंक कलर के ड्रेस के साथ भी वेयर किया हुआ है पर्पल कलर के साथ भी तो ये बहुत खूबसूरत लगता है ये लाइट पिंक ड्रेस के साथ भी प्लम कलर और पर्पल कलर के साथ भी और प्लम कलर के ड्रेस के साथ तो लगता ही प्यारा है और ये क्लच ना मेरा मरून कलर ड्रेस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है पर्पलिश प्लम कलर है ये बहुत ब्लिंक ब्लिंक है ये बहुत खूबसूरत और अच्छी स्टिकिंग इसके ऊपर जो है ना ये डायमंड डायमंडी की बड़ी अच्छे से स्टिकिंग हुई हुई है बिल्कुल झड़ते वगैरह नहीं है ये इजीली बहुत अच्छे से स्टिक हुए हुए हैं बहुत अच्छी क्वालिटी है और ये भी मैंने सारे क्लचेस की तरह ऑब्वियसली चाइना से ही बाय किया है और रिसेंटली बाय किए हुए हैं ये मेरे सारे क्लचेस तो आपको ये सब क्लचेस मैं कहता हूँ फिर बता दूँ अमेजोन वगैरह से मिल जाएंगे ईजीली अली एक्सप्रेस अली बाबा एक्सप्रेस इन सब पे भी इजीली मिल जाएंगे आप वहां से भी इनको सर्च कर लीजिएगा और जो व्यूअर्स मेरे चाइना में रहते हैं वो इजीली इन क्लचेस को पिन एंड ताओबाओ से सर्च करके बाय कर सकते हैं और अब आप देख रहे हैं ये बहुत खूबसूरत सा एक मटेलिक क्लच ये मटेलिक क्लच है और ये पीच गोल्ड कलर में है पीच गोल्ड कलर इज रियली ब्यूटिफुल कलर और ये इतना रेयर कलर है आई थिंक ये क्लच मस्ट हैव कलर है आई थिंक बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आजकल ये मेटेलिक क्लच इतने ट्रेंडिंग में इन हैं आप यकीन करिए बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में इन क्योंकि आप किसी भी पार्टी वेयरिंग और फॉर्मल वियरिंग कैजुअल वेयरिंग के साथ भी समटाइम आप लॉन के ड्रेसेस पहने हुए होते हैं और आप किसी के घर जा रहे होते हैं वहाँ पर भी ले जा सकते हैं इवनिंग फंक्शन डिनर पार्टीज और वेडिंग फंक्शंस एनी काइंड ऑफ डिनर्स आप ये इजीली कैरी करके ले जा सकते हैं और ये कलर ऐसा है पीच गोल्ड जो हर ड्रेस के साथ चला जाता है ये देखिएगा अंदर से इसके अंदर लाइट गोल्ड कलर की सिल्की फैब्रिक लगाई हुई है और ये पीच गोल्ड कलर में ही मटैलिक चेन दी हुई है पूरा क्लच मटैलिक है बहुत खूबसूरत है और जो इसका टेक्स्चर दिया हुआ है ना जिसकी वजह से ये बहुत ही एलिगेंट लगता है ये क्लच बहुत अच्छा लगता है जो इसका डायमंड सा शेप दिया हुआ है थोड़े से डायमंड से टेक्सचर शेप इसके अंदर आ रहे हैं और ये देखें ये गोल्ड कलर है मैं आपको डिफरेंस दिखाने के लिए दोनों क्लच एक साथ रख के शो करवा रही हूँ कि देखिए वो गोल्ड कलर था प्योर गोल्ड और ये है पीच गोल्ड कलर दिस इज कॉल्ड पीच गोल्ड कलर विच लुक्स रियली रियली नाइस अगर आपको ये कलर क्लच मिल जाए तो आप ये ज़रूर बाय करिएगा ये क्लच आपको इजीली मिल जाएगा आई थिंक अमेजोन अली एक्सप्रेस वगैरह पे आई थिंक इजीली अवेलेबल होगा वहाँ से ज़रूर सर्च करिएगा ये मेटालिक क्लचेस कहलाते हैं और ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में इन है मैं आप मेरा आपको ये सब क्लचेस दिखाने का यही मकसद है कि आप इनको देखकर कर आइडिया कर सकें कि आजकल ट्रेंडिंग में कौन से क्लचेस इन हैं और किस तरह के ड्रेसेस के साथ वो आप वेयर कर सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन और आपको किन किन मेन कलर्स के क्लचेस को बाय करना चाहिए और आप देख सकते हैं अब आपको मैंने डिफरेंट आइडियाज दे दिए हैं और अब हम देख रहे हैं एक बहुत खूबसूरत सा एकराइलिक जोमेट्रिक के क्लच एक्राइलिक ज्योमेट्रिक क्लच है ये बहुत खूबसूरत मटेरियल है इसका मटैलिक क्लच के ऊपर आप ये देख सकते हैं इन्होंने एक्राइलिक वर्क लगाया हुआ है पूरा एक्राइलिक लगा हुआ है ये जो एक मार्बल अफेक्ट दे रहा है और इसका टेक्सचर जो है एक्राइलिक का जो इसका टेक्सचर समझ लें आप इसके ऊपर ये पूरा मार्बल की तरह अफेक्ट है पूरा जो आप देख सकते हैं अंदर से वाइट वाइट सा जो शेड आ रहा है क्रीम कलर के अंदर इसकी वजह से ये पूरा मार्बल इफेक्ट दे रहा है और ये इवनिंग फंक्शंस में वेडिंग फंक्शंस में और आप डिनर पार्टीज़ के अंदर भी इनको यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ एक लॉन्ग चेन दी गई है ताकि आप क्रॉस बॉडी के तौर पे इसको वेयर कर सकें वैसे मैं तो इसको इसी तरह से हैंड में पकड़ लेती हूँ मुझे अच्छा लगता है स्मॉल चेन के साथ ले लेती हूँ समाइम और ये देखें दिस इज़ एक क्लच एकराइलिक क्लच आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में इन है इसमें आपको डिफरेंट डिजाइन मिल जाएंगे एकराइलिक जोमेट्रिक क्लच है ये और ये और ये क्लच फुल देखने में बिल्कुल मार्बल क्लच लगता है लगता है मार्बल का बना हुआ जबकि ये एकराइलिक क्लच है और अब हम देखते हैं एक और एकराइलिक क्लच ये दोनों मेरे पास एक्राइलिक के क्लचेस हैं इनमें आपको डिफरेंट शेड्स डिफरेंट कलर्स भी मिल जाते हैं जैसे कि मैंने एक लाइट पिंक कलर में इसको खरीदा हुआ है दिस इज लाइट पिंक एंड गोल्ड क्लच जो इसके ऊपर मेटेलिक वर्क हुआ हुआ है इस क्लच के अंदर जो मेटैलिक है वो गोल्डन है और जो एक्राइलिक लगा हुआ है वो लाइट पिंक कलर में लगा हुआ है और वो भी बिल्कुल मार्बल इफेक्ट दे रहा है मार्बल की तरह उसके ऊपर टेक्सचर में शेड है और ये दोनों जो एक्राइलिक के ऊपर आप क्लच देख रहे हैं एक्रायलिक के ये बहुत सिल्की सिल्की से स्मूथ से टेक्स्चर के होते हैं इट रियली लुक लाइक मार्बल और बहुत खूबसूरत लगते हैं और आजकल इतने ट्रेंडिंग में नहीं ये कलर क्लचेस तो आपके पास एक तो होना ही चाहिए आई थिंक और सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल लाइट वेट होते हैं इनकी हैंडलिंग इजी होती है इसमें आप इजीली मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं और कुछ कॉस्मेटिक भी इसमें आ जाता है ईजिली कोई मसला नहीं होता है, इनको हैंडलिंग में और बड़े ज़बरदस्त लगते हैं एवरीबडी लाइक इट अगर आप देखें तो ये बड़ा ही एक यूनिक सा डिज़ाइन है जो इस क्लच को ओपन करने के लिए ऊपर जो ये बटन दिया हुआ होता है ये भी मैग्नेटिक है बिल्कुल और ये मैग्नेटिक बटन इन्होंने दिया हुआ है इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है जिसकी वजह से ये खुद ही से बंद हो जाते हैं इजीली बहुत प्यारा है ये क्लच तो आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए अपनी कलेक्शन के अंदर एक इकड़ाइलिक क्लच आप ज़रूर बाय करिएगा अगर आप न्यूली कोई क्लच बाय करना चाह रहे हैं तो ये एक बहुत खूबसूरत चॉइस रहेगी तो यहाँ मेरा आपको इन क्लचेस को दिखाने का मकसद यही है कि आपको मेरे इन न्यू क्लचेस को न्यू डिज़ाइनिंग्स को देखकर एक आइडिया मिल जाएगा यूनिक आइडिया मिल जाएगा कि आप आ, किस तरह के क्लचेस आजकल ट्रेंडिंग में इन हैं और आपको किस तरह के क्लचेस बाय करने चाहिए अपनी फॉर्मल पार्टीज के लिए डिनर पार्टीज के लिए वेडिंग फंक्शंस के लिए हमें किस टाइप के क्लचज यूज़ करने चाहिए आपको ये मेरे क्लचेस देखकर आइडिया मिल गया होगा कि आजकल क्या ट्रेंडिंग में इन है और हमें क्या बाय करना चाहिए और मैं आपके साथ जितनी भी न्यू ट्रेंडिंग थिंग्स हैं चाहे वो क्लोथिंग ब्रांड्स की थिंग्स हो या होम डिकोर वीडियोस हो मैं आपके साथ न्यू थिंग्स शेयर करूंगी जो भी न्यू ट्रेंडिंग फैशंस चल रहे हैं आजकल मैं आपके साथ अपनी तमाम न्यू थिंग्स शेयर करूंगी जो भी मैं न्यूली बाय करती हूँ या मेरे पास न्यूली बाय की हुई चीज़ें हैं मैं अपनी शूज़ कलेक्शन ज्वेलरी कलेक्शन इन फैब्रिक कलेक्शन मैं आपको सब दिखाऊंगी जो भी चीज़ें मैंने न्यूली बाय की हुई हैं इवन होम डोर जो चीज़ें मैंने आइकिया से बाई की हैं वो भी मैं एक दिन आपके लिए व्लॉग बनाऊंगी तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा इससे हमें मोटिवेशन मिलती है तो प्लीज मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ